अरे अगर हमने तुझे अमित के बिस्तर पे पसरे हुए देखा ना, हड्डी पसली बराबर कर देंगे। क्या समझती अपने आप को? चल बाहर, चल निकल, ये तेरी जगह, समझी? अपना नाम रानी रखने से कोई महारानी नहीं बन जाता, वरना हम भी अपना नाम टाटा बिरला रख लेते। यही सो सुहागन की हाय लगेगी मम्मी जी आपको। आप गुस्से में ये तक भूल गई कि आज हमारी सुहागरात है। पर कोई बात नहीं, हमने इंतजाम कर लिया है। खुशिया हो खुशिया, अरे रात की रात में कुंभकर्ण बन गई का? माँ जी, हाँ बोलो, कहा हुआ का? चाहिए का एक पानी ला देते आपको। ठीक हो अम्मा जी? कहा हो क्या? पीलो पानी, पीलो पीलो। पानी नहीं चाहिए हम कर दे। का है ना कुसिया, यहाँ इधर आ। हाँ बोलो, है कहा हो गया? का है ना कि अब रात को दिल का दौरा आके दस्तक देगा तो तुम अगर सो रही हो तो हम ऐसे ही सरक जाएंगे ऊपर। अरे नहीं अम्मा जी, कछु नहीं होगा आपको। अरे दिल का दौरा टेलीग्राम भेज के ना ही आता कि परसों निकल रहे हैं सुबह की गाड़ी से, राखी मना के आएंगे आपके दिल पे दस्तक देने के लाने, वो तो कभी भी आ सकता है। आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। हम जगे उका एक मिनट के लिए आंख लग गई थी। एक मिनट में नीचे से ऊपर सरक जाएंगे। अब जगे हुए, बस इधर ही खड़े। हमारे सर पे खड़ी रहेगी, कैसे सोएंगे? उधर जाके बैठ जा। अच्छा ठीक, सो जाओ आप, शांति से सो जाओ। चलो आंख बंद करो। शांति से सोएंगे तो कमर सीधी मत करना, नहीं तो फिर से सरक जाएगी नींद में। हाँ हमारा कनेक्शन तो ऊपर बहुत ही अच्छा है। दिल का दौरा तो कल सुबह तुझे पड़ेगा कुसिया। आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा था इंतजार करने का है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना, कहा है कि आज हमारी पहली रात है ना। कहा कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ फर्स्ट नाइट। हमने अपना कमरा भी सजाया हुआ है, आइए देखिए ना। अपना कमरा? रात में ही कमरा भी बन गया? मतलब आपका और हमारा कमरा। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं क्या सजाया। अमित जी, ये हमारे सुहाग की सेज है, हमने अच्छा सजाया है ना? क्या सोच के सजाया ये सब? हाँ हम तुम्हारे साथ छज्जे पे सोएंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा? और जब हम तुमको पत्नी मानते ही नहीं तो फिर काय का फर्स्ट नाइट यार? ये सब नौटंकी अगर तुमने दोबारा की ना तो हम ऐसा करेंगे तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? हटाओ ये अपने सेज के फूल सब हटाओ। सच में बड़ी बेशरम लड़की है, शरम तो बेची खाई है इसने। अरे पगला रही है ये तो।
परी तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने कमरे में जाके सो। हाँ तुम्हें कल राखी के लिए तैयार होना है ना, जाओ जाओ अंदर जाओ, जाओ बेटा जाओ। अरे अमित इसको लोक लाज है कि नहीं, ये तो पगला रही है, पगला रही है बिल्कुल। अरे यार मम्मी तुम काहे अपना दिमाग चटा रही हो, जाके सो जाओ ना यार। अरे लेकिन ये सोने दे तब ना, हर 5 मिनट में कोई ना कोई ड्रामा करती है। तो सुनो तुम, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है बता रहे, और दोबारा हम पे अधिकार जमाने की कोशिश की ना तो बता रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से, हटाओ ये सब, अपने सेज के फूल हटाओ। ठीक है अम्मी जी, पहले आप कुछ खाना तो खा लीजिए, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, आपका इंतजार कर रहे थे हम। अरे किसी ने बोला था क्या तुमको नहीं खाने के लिए, काहे नहीं खाया, पगला रही है बिल्कुल, इसे कुछ गोली वोली देके सुला अमित। अरे यार हमें भूख नहीं है यार, तुम सो जाओ चुपचाप समझी, चलो हटाओ ये सब। जी अंग्रेजी में समझाएगा तुमको, हैं? जाओ हटाओ सब फूल अपने और यही सोते रहना चुपचाप। चुपचाप सो, आना मत इस खड़की पे दोबारा। आज रक्षाबंधन है तो अम्मा जी, अम्मा जी प्रीति निमी, अम्मा जी माजी को देखा का? हाँ? नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं मतलब कहाँ गई वो? कहाँ नहीं? ऊपर है का? नहीं। नहीं ऊपर तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। यहाँ पे देखती हूँ मैं। चलो देख फिर से हॉल में देख। दादी? घर में ही होंगी, कहाँ जाएंगी? अरे घर में मतलब नीचे देखा ऊपर देखा अब कहाँ भी नहीं है, हॉल में सब जगह ढूंढ ली हम। अच्छी तरीके से देखा ना हर जगह। अरे अच्छी तरीके से मतलब क्या? कमरे में देखा, कमरे में देखा बेटा, हम तो अब सुबह जब उठे थे तब उनको खुद दातुन दिए, फिर चाय दी, फिर थोड़ी देर के लिए हम रसोई में गए, फिर जब यहाँ आए फिर से पूछने के लिए कि कहाँ गई है अम्मा जी, रक्षाबंधन में कहाँ बनाया, आज त्योहार है तो कहीं नहीं दिखी। कहाँ रह गई होगी अभी दादी? कहीं बाहर तो नहीं गई? वो मंदिर गई होगी कहाँ, रक्षाबंधन है तो? पता नहीं मम्मी, पर दादी ऐसे गायब हो जाती ना तो सबके लिए डेंजरस है, कि जब भी ऐसे गायब होती कोई ना कोई ड्रामा होता है। चुप करना निम्मी, कोई ड्रामा नहीं होगा, मैं कह रही है तो शायद मंदिर ही गई होगी। नहीं मतलब जब सुबह उठे थे तब इतनी सारी बात हुई हमारी, तो मंदिर का तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। छोड़ो ना मम्मी, अब गई है तो बस प्रार्थना करो कि वापस ना आए। पकैती बंद करेगी तू अपनी, चुप है बदतमीज, दादी है पॉप लगेगा कह रहे है। जाओ आस पड़ोस में जाकर पूछो रंजन भाभी से आई है क्या वहाँ। अब आस पड़ोस में कहाँ होगी, और वैसे भी उनको देख के तो सब मुंह घुमा लेते हैं। जितना बोला उतना करो, लूट जबान खींच लेंगे तुम्हारा। हाँ जा रही हूँ ना, इन कपड़ों में कैसे जा रही हूँ, चेंज कर जाती हूँ, रुको सॉरी। ठीक है तब तक फिर से प्रीतिया जा बेटा, फिर से देख लेना ऊपर कहीं है का। हाँ हाँ देख लिया, वो छत वत में कहीं कोने में मतलब बैठी हो अम्मा जी का, मतलब धूप सेक रही हो पता नहीं। Thank you.
मीना कहाँ चली गई? इतने सुबह सुबह कैसे उठ गई? कोई लड़कियों को जगाओ जरा, कब तक सोएंगी? बाहर भी नहीं है, फिर कहाँ गई है? भाई साहब, ये साहिल बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं करता आपको? तो उसकी चिंता मत कर, बड़ा जिम्मेदार बच्चा है, मेरा और घर का सबका बड़ा ख्याल रखता वो। हाँ, जिम्मेदार तो है और शरारती उससे ज्यादा है, बस इसलिए पूछ रहा था। अब इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो भजन गाएगा क्या? अब सब आ जाइए, कहे कि नाश्ता तैयार है। अबे यार, किसी ने देख लिया तो। ए बंटी जी, कहाँ जा रही है? अरे चलो नाश्ता कर ले। अच्छा, वो रिया को भी उठा देना। अंकल एक्चुअली नेटवर्क नहीं आ रहा, वो एक फोन करना था तो इसलिए बाहर जा रही थी। अच्छा ठीक है, बाहर से पेपर भी ले आना। जी अंकल, चलो नाश्ता कर ले। हाँ हाँ भाई साहब। बुआ जी, हनुमान नाश्ता। रिया, रिया चिंता मत करो। बंटी पेपर नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गई? शिवम है क्या? नहीं, शिवम कब आया? अरे बिना मिले जा रहा है। ए, तुम रास्ते लेकर अभी तक यहीं घूम रहे हो? शिवम, ये तो दामाद जी है। दरोगा का आड़ा जा रहा, देखो तो। अरे मास्टर जी, यही वो चोर चक्का है जो रात में आपके घर में ताका झाकी कर रहा था। चोर? इंस्पेक्टर साहब, वो कोई चोर नहीं है, हमारे दामाद बाबू हैं। अरे मास्टर जी, माफ कीजिए, हमको पता ही नहीं था कि ये आपके दामाद बाबू हैं। माफ करना रिया बेटा। वो क्या है ना मास्टर जी, आजकल शहर में इतने चोर चक्के हो गए ना, ये सॉरी ड्यूटी बड़ी सख्त हो गई है। चलते हैं फिर। अच्छा अच्छा, ए बुआ चलो। देखा, आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं ये। अरे शर्म नाम की चीज ही नहीं है। जानते हैं कि शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे रात को छुप के आए। इतना गुस्सा आया ना हमें, दिल कर रहा था अगर हमारी बेटी होती ठीक है तो लपड़ लगा देते उसको। मम्मी, रिया दीदी के बारे में क्या बोल रहे हो आप? कुछ सुनूंगा नहीं उनके बारे में। देखो साहिल, ऐसा हमने कहा कह दिया कि तुम इस तरह भड़क रहे हो? हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, हमारी बात के बीच में टांग मत अड़ाया करो, समझे? अरे सुमन, काहे सुबह सुबह बच्चे कॉल कर रही हो? हैं, हम भी तो ना किस्मत ही खराब है, अब अपने बच्चे को समझाने के लिए हमको ना परमिशन लेनी पड़ेगी। रहने दो ना, आज राखी का दिन है, शुभ दिन है, झगड़ा करके दिन क्यों खराब कर रही हो? साहिल जा, तू चेंज कर ले जाके, जा जा। सुमन क्या हो गया तुमको? अरे तुमसे कितनी बार कहा, छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो। अब जाओ जाकर के रोशनी वोशी देखो, नहीं तो बुआ को फिर मौका मिलेगा। मम्मी जी, आटा सान लिया है, सब्जियां कौन सी बना लूं? अरे देख लेना रसोई में काका है, जो है उसमें से बना ले, लेकिन थोड़ी कम बनाना। आज सिर्फ तेरे परम पूजनीय ससुर जी ही घर में खाना खाएंगे, हम लोग सब अम्मा के यहाँ जा रहे हैं। अरे क्या हुआ अमित, ऐसे लौकी की तरह काहे चेहरा लटका के बैठा है तू? ऑफिस में बहुत काम है का? सच्ची कह रहे हैं, अगर हमारी किस्मत के पन्नों पे सोने की स्याही से लिखा होता ना, तो हम तुझे काम पे कभी भेजते ही नहीं बिटुआ। अमित जी चाय।
मम्मी तुम्हारे हाथ से चाय पियेंगे, इसके हाथ से चाय नहीं पियेंगे। हाँ बेटा तो ले, हमारे हाथ से पी ले, उसमें क्या है। थैंक यू। अमित जी चाय कैसी बनी है? हमें लगता है थोड़ी खट्टी लग रही है। है? खट्टी बनी है? हो सकता है दूध फट गया होगा तो इसी वजह से। ट्रैफिक सिग्नल जी, रसोई में जाइए, आटा पत्थर बन चुका है, जाके पड़ोसियों को मार दीजिए। अरे सुन, आज तो रक्षाबंधन है ना, तो जाके अपनी चाची से बोल, तू का बोलेगी और वो का समझेगी, है? हमें ही बोलना पड़ेगा। मम्मी का? हाँ मम्मी, दादी आस पड़ोस में नहीं है, पर गोस्वामी अंकल ने कहा था कि उन्हें मार्केट जाते हुए देखा था। मार्केट? हाँ। इतनी सुबह? ये बाजार कहाँ गई है? पूरा घर तो भरा पड़ा है चीजों से। क्या पता मम्मी, तो शिवम भैया भी ना कहाँ रह गए, तो उन्हें फोन भी नहीं कर सकते। आने दो, आज तो अपना फोन ही थमा दूंगी। तो ये भी अच्छा है, रक्षाबंधन में भाई बहन को गिफ्ट देता है, पर यहाँ पे मैं दे रही हूँ। अरे स्टेशन का रास्ता मतलब बाजार से ही गुजरता है ना। हाँ भी मैं पूरी श्योर हूँ कि कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। कहाँ गए? हाँ क्या हुआ? नहीं हमने जो कुछ बात का बुरा लग गया होगा तो उन्होंने कुछ चिट्ठी विट्ठी कहीं छोड़ी होगी और स्टेशन की तरफ गई होगी, तो मतलब पता नहीं तुम्हारे पापा को मिलने गई, पता नहीं कहाँ। अब कहाँ करें, हम तो पकड़ा गए हैं। तो आपने कुछ कहा था क्या? अरे नहीं, हमको नहीं कहा था। हमको अगर कुछ, हम ये सोच रहे कि अगर बाजार से कुछ लाना होता तो हमको बोलती है वो हमेशा, खुदा ही नहीं जाती। कुछ चिट्ठी मिट्टी भी छोड़ के नहीं गए तो कहाँ गई होगी? पर दादी को लिखना कहाँ था वैसे भी? हाँ नहीं आता तो मतलब। अच्छा तुम एक काम करो, जीजी को फोन करो। हाँ करो, मतलब तो उनको पता होगा कहाँ गई है अम्मा जी है? और पापा को तुम भी फोन करो। करिए ना दी। अरे प्रभा, ओ प्रभा रानी, अरे कान में तेल डाल ली हो का? चुप रे। अरे ओ प्रभा। ये भगवान, अरे क्या हो गया ऐसा? सुबह सुबह दौरे पड़ते हैं का? है? हमें काहे दौरे पड़ेंगे, दौरे पड़ते होंगे तुम्हें? अरे हमें काहे दौरे पड़ेंगे, पड़ते ही होंगे, जब ही तो भूल गई आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन है? नाची। अरे काहे नाच नाच के पड़ोसियों के बच्चों को डराती हो? हम तो ये कह रहे हैं कि अपनी लड़की को लेके जाओ अपने घर, रक्षाबंधन का नेक दो, सगुन दो, सम्मान के साथ वापस भेजो। ए राम जी महाराज, कहीं से समझाएं इसको। अरे बहना, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? अरे नेक वेक तो तब देंगे ना जब कोई भाई होगा रनिया का। हाँ तुम्हारी नजर में अगर कोई भाई हो तो बुला लो अपने घर में और राखी बंधवा लो। अरे सरला, इससे दो फायदे मिलेंगे, एक तो तुम रनिया की माँ बन जाओगी, अरे भाई दूसरी अपनी बहू की नजरें बहुत ऊपर उठ जाओगी, समझी? देखो सरला, एक बात हम तुमको साफ कह देते हैं आज, ना तो हमको तुमसे कोई मतलब है और ना ही रनिया से। ये बात को तुम ना एकदम टाइट से गांठ बांध लो। एक बात और कह देते हैं, सुबह सुबह ना मोहल्ले में इतना हल्ला वल्ला मत मचाया करो, हमारे घर का माहौल बिगाड़ देते हो। हे भगवान, हमारी किस्मत तो तुमने एकदम ही फालतू टाइम में और फ्री फंड में लिखी होगी। एक तो ऐसे मनहूस पड़ोसी, ऊपर से ये फटी चरों की सरदार बहू दे दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।